तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुकर ले लेना है, गोश्त को गला लेना है। तो मैंने गोश्त जो है 300 ग्राम मैंने गोश्त लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फिर आपने गोश्त की जो क्वांटिटी है थोड़ी डबल कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैंने मटन मतलब गोश्त लिया हुआ है और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1/2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसके बाद में मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1 ग्लास के करीब में, और इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर देना है, नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ये देखिए 1/2 मैंने प्याज मतलब कि मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, तो उसको मैंने 1/2 प्याज लिया है और उसको मैंने स्लाइसली चॉप कर लिया। अब इसको हम कुकर का लिड कर देंगे बंद और इसको 4 to 5 हम विजल ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मैंने 4 से 5 सीटी ली थी। अब मैं आपको मटन दिखा देती हूँ। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। तो चलिए अभी तहारी बनाते हैं। तहारी में सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता दूं, टमाटर। मैंने आपको बताया था 300 ग्राम मैंने मटन मतलब गोश्त लिया है 300 ग्राम, तो मैंने सेम 250 ग्राम मैंने मतलब कि 1/4 किलो आपने टमाटर लेना है। इसमें टमाटर ज़्यादा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है। इसमें मैंने छोटी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 सिनेमन का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा है, 4 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है और 4 ही मैंने लौंग ली है, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून साजीरा, और इसके साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। एक मैंने छोटा सा प्याज की डल्ली थी, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जो है अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च। इसमें हरी मिर्च जाती है, लाल मिर्च नहीं जाती है। तो हरी मिर्च बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको पीस कर ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन मैंने इसको बीच में से कट किया हुआ है। अगर हम पीस कर डालेंगे तो वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो जैसे अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो फिर आप पीस के भी इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा इसको हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे, फिर उसके बाद में इसमें मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट में अच्छे से मैंने मिर्चियों को भी भून लिया है। अभी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट अच्छे से हम 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, उसको भी अच्छे से भूनेंगे, और इसके साथ में ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो मैंने ऐड किया था वो अच्छे से भून गया है, और अभी ये जो टमाटर है ये टमाटर हम इसमें डालेंगे, और टमाटर को इतने अच्छे से भून लेना है कि हमें जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए हमारे, ये हमें दिखे नहीं, एकदम से पेस्ट के फॉर्म में हो जाए, इतना हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है। तो इसे पका लेते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब ये जो मैंने मटन को बॉईल किया हुआ था इसमें भी अदरक लहसुन और हल्दी है और इसमें प्याज है, इसको डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक बॉईल आने देंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे राइस, कोथमीर, पुदीना, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो इसको अच्छे से एक बॉईल आने देते हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद में मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छे से एक बॉईल आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं राइस डाल रही हूँ। राइस मैंने जो लिया है कोलम राइस लिया हुआ है। ये जब भी आप ये औरंगाबाद की तहारी बनाओ तो उसके अंदर आपने बासमती राइस नहीं लेना है, आपने बारीक चावल ही लेना है। कोलम चावल लीजिए या फिर बासमती टुकड़ा जो आता है वो आप ले लीजिए, बासमती राइस मत लीजिएगा। इसको बारीक चावल में बनाया जाता है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फर्स्ट। यहाँ पर पानी का रेशो आप देख लीजिए, पानी मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले से काफ़ी टाइम पहले से बता के रखा हुआ है, और हर रेसिपी में बताती हूँ कि आपने जितना पुलाव में और खिचड़ी में हमें ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है और पानी भी हमें ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास में मैंने 300 ग्राम मैंने गोश्त लिया था और मैंने 250 ग्राम राइस लिया था, तो उसके हिसाब में मैंने जो पानी है, सपोज़ देखिए अगर आपके पास में 2 कप राइस है तो आपने उसका डबल पानी लेना है, कि मतलब 4 कप आपने पानी ले लेना है। तो सेम वैसे ही मैंने लिया है यहाँ पर,
अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद में इसके अंदर कोतमीर और पुदीना मैंने जिसको अच्छे से एकदम फाइनली चॉप कर लिया था। और इसके बाद में कसूरी मेथी आपने 2 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। ये देखिए कसूरी मेथी, इससे इस रेसिपी में इस कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इसी तरीके से ही बनाते हैं। तो बस इसको अभी हम एक बॉईल आने देंगे और इतना हमें इसे पका लेना है कि पानी जो है वो सूख जाना चाहिए, फिर उसके बाद में हम इसको दम पे रखेंगे। तो बस अभी मैं इसे पकने देती हूँ, फिर आगे हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए तहारी का जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम कर देना है लो और इसको हमें दम पे रख देना है 5 to 7 मिनट, कि जब तक हमारा जो राइस है वो अच्छे से पक नहीं जाता तब तक। तो 5 से 7 मिनट लगेगा इसको स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए औरंगाबाद की मटन तहारी बनकर तैयार है। ये देखिए अच्छे से पक गई है, 5 से 7 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पर दम पर रखा था, बहुत ही अच्छे से ये देखिए खुली खुली पकी है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।